What y'all need? If they get a dispute, no one will tie ya. Yeah, what the, yeah, me, what the, get the car, what the, what the, what the. आप सब सुन गए ना? सब सुन गए, सब ने अच्छी तरह से सुन गए। तो मैं एक बात बोलूँगा आपको। आपके घर के सामने या आपके घर के पीछे या आपके मोहल्ले में क्या मेरी बेटियाँ दो दो पेड़ लगाएंगी? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने करेंगे? सिर्फ प्लांटेशन करना ही नहीं, सिर्फ बनाना ही नहीं, उसके साथ में उसका देखभाल भी करना है। जैसे एक छोटे बच्चे को देखता है वो हिसाब से आप उस पेड़ का ध्यान रखना जब तक वो बड़ा होता है, और जब वो बड़ा हो जाएगा आपको इतनी खुशी होगी कि अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, आप बेटियों को अपने माँ बाप को बड़ा करके खुशियाँ कितनी होती है, खुशी उतना आपको खुशी होगी इस पेड़ को बड़ा देखते हैं। हर हमारी बेटी दो दो सैंपल करेंगे और अपने अब्बा का नाम बाजू में लिख रहे हैं, तो आपको याद रहेगा कि आपका ही आपके बनवाएंगे, आपका नाम या तो आपके अब्बा का, ओके? तो ईच वन एक्सपीरियंस तो ये बाहर जाते हैं या फिर जाते हैं हम सिर्फ देखते हैं कि बिल्डिंग है, ये है, वो है, उतना दिमाग को सुकून आपको ठंडक नहीं पहुँचती। उसके लिए हम पार्क जाते हैं, पार्क में जाते हैं, ग्रीन रहता है, पेड़ रहते हैं, चिड़िया रहते हैं, अलग अलग कमोनी के अलग अलग कलर के रहते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब मैं आपकी कॉलेज की मीटिंग होगा तो पूछूंगा कि किसी ने कौन सा प्लांट आपने लगाया है और अब कितना बड़ा हुआ है, ओके? Hi, this is Nabil Attari here, and we have with us Mr. Aman Seth. We just attended a program which was conducted by GNRF, Department of Dawat-e-Islami India, which is actually working for the welfare of the society and which is heading towards the servitude of humanity. It's irrespective and regardless of which religion and community people follow or where they come from. We are here, the main mission and the motto, the more objective or of our NGO, that is GNRF department, is just to serve the humanity. And one of the purpose is to make our environment clean and green. So we basically work for the people whenever there is adversities, calamities, floods, earthquakes or any catastrophic situation. So we work for them to serve the victims, and secondly, we are working for the environment as well. So this was the event that just happened today, where we were giving an awareness program to all the students about the initiative that we have taken for the plantation. आज जैसे नबील भाई ने कहा कि GNRF जो दावत इस्लामी से आते हैं, एक बहुत ही नोबल और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच लेके आते हैं रिगार्डिंग द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड इंक्रीजिंग द ग्रीनरी इन द सोसाइटी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जैसे हमें पता है कि क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम हो रहा है, स्पेशली बेलगाम में, जबकि बेलगाम एक ऐसी सिटी थी जो अपने क्लाइमेट के लिए जानी जाती थी, लेकिन यहाँ गर्मी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम हो रहा है। और इसका एक मेन रीज़न है जो डिफॉरेस्टेशन या झाड़ों को काटने के वजह से बेसिकली, और जितनी ग्रीनरी कम होती जाएगी उतनी क्लाइमेट एक्सट्रीम होती जाएगी। तो अगर हमें ये अवॉइड करना है और अगर हमें हमारे लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करना है, तो फर्स्ट स्टेप होगा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़। जैसे
राजू सेठ साहब जो MLA है बेलगावी नॉर्थ के, उनके 10-point प्रोग्राम में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बेलगाम को फिर से ग्रीन करें और जितना हो सके उतना प्लांटेशन बढ़ाएं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जो GNRF भी बोलता है और हमारी भी सोच यहाँ मिलती है कि लेट्स ट्राई एंड प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, और सिर्फ प्लांट ही नहीं करना है बल्कि उसके बाद में उनका ख्याल भी रखना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम ये सब मिल के करेंगे तो एक बड़ी बात बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो रहेगी ही। लेकिन जो भी ये देख रहे हैं आप ही प्लीज़ अपने आसपास होने दो, अपने जान पहचान में होने दो, सभी को ये मैसेज प्लीज़ पहुँचाएँ कि जो भी ट्रीज़ है उनका पहले ख्याल रखें और जितना हो सके नए प्लांट्स और नए सैपलिंग्स प्लांट कर सकें।